मैं नेक्स्ट थोड़ा चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करूंगी। चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ, प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि अपने पहला जड़ियाँ डिवाइसेस हार्डवेयर कंसेप्ट कितने सीगे, उन्होंने विचो अपने सब तो पहला इनपुट डिवाइस कितनी सीगी, हूँ जड़ी है तड़ी प्रोसेसिंग डिवाइस हैगी है। प्रोसेसिंग डिवाइस केड़ी हुंदी है, प्रोसेसिंग डिवाइस ओ डिवाइस हुंदी है जेड़ा की जेड़ी डिवाइस की दिती मैम लेफ्ट थोड़ा ही लेफ्ट हो गई कर रहे थे प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस ओ डिवाइस है जेडियां की दितिया गई इंस्ट्रक्शन दे अकॉर्डिंगली डेटे नू प्रोसेस कर दी है और जेडे भी रिजल्ट्स हैं उन्हें आउटपुट डिवाइसेस दे उत्ते भेज देंदी है। ते कुछ जेडे प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो केड़े ने, फर्स्ट है मदरबोर्ड, दूसरा है वीडियो कार्ड, तीसरा है साउंड कार्ड। फर्स्ट जेड़ा मदरबोर्ड है यही कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड मनिया जाता है, इसनों आप मेन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड भी कहने हैं। इस विच जेड़े ने कई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या इंटरकनैक्टर जेड़े ने मौजूद होंगे ने जेड़ी की कंप्यूटर दे बाकी हिस्सों नाल जोड़ते हैं। इस दे विच बहुत सारिया जड़ियां ने सॉकेट जड़ियां स्थिर जड़ियां आप कहने फिक्स मैमरी दी चिप्स, बस कनैक्टर, क्लॉक जनरेटर, इंटरफर इंटरफेस जड़े स्लॉट है वह जड़े ने होंगे ने। इस दे विच जड़ियां ने तड़ियां आप कह सकते हैं पावर सप्लाई जड़ियां SMPS स्विचबोर्ड पावर सप्लाई, तो यह जड़ियां ने पावर यह पावर कैच करता है गया और ये उसने यह जड़ा SMPS है कैबिनेट दे नाल उस उत्थे जुड़िया होया हुंदा है गया जिथे कि कंप्यूटर दे विच CPU दे विच मदरबोर्ड नू रखिया जाता है गया। सेकेंडली तड़ा आ जाता है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड की है, वीडियो कार्ड तो भाव है एक अजिहे अलग विस्तार कार्ड, यानी कि ऐसा एक्सपेंडेड कार्ड है जिसे जेड़ा जिसनों की आप मदरबोर्ड के स्लॉट के लगाते हैं। इसका काम की होंगे वीडियो कार्ड का कि डिस्प्ले के लिए आउटपुट सिग्नल्स प्रोड्यूस करना, CGA, VGA, जेड़ा SVGA, ये जड़ियां ने वीडियो कार्ड दियाँ अलग अलग जड़ियां ने किस्म ने। नेक्स्ट तड़ा थर्ड आ जाता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड आवाज वाला जेड़ा कहने कार्ड है, एक कंप्यूटर का एक एक्सपेंशन कार्ड होंदा है जेड़ा कि किसी कंप्यूटर नू या किसी कंप्यूटर तो ऑडियो सिग्नल दी इनपुट या आउटपुट दे जेड़ा है दो ऑडियो सिग्नल दे जेड़े ने इनपुट या आउटपुट दोनों की फैसिलिटी जेड़ी हैगी है प्रोवाइड करता है गया। और कई कंप्यूटर दे विच ता जेड़ी है ये साउंड कार्ड जेड़े ने पहला तो ही लगे हुए होंगे। नेक्स्ट तड़ा फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है गया, तड़ा अगली डिवाइस जेड़ी हैगी है अगला हार्डवेयर कंसेप्ट आ जाता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। वट इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एक्सप्लेन ऑल द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, भी संचार यंत्र की होंगे ने ते कंप्यूटर के विच वरते जाने वाले संचार यंत्रां दी विस्तार सहित व्याख्या करो। संचार यंत्र केड़े होंगे ने, एक ऐसी फैसिलिटी होंगी है जिस दे विच किसी भी सोर्सेज द्वारा या चैनल नू यूज करके किसी भी इनफॉरमेशन नू एक थां तो दूजी थां तक या एक ट्रांसमीटर तो यूजर तक पहुंचाया जाता है। जिहड़ा तुसीं ये प्लस वन दे विच वी कीता सी कि जिहड़ा कम्युनिकेशन वर्ड है किहड़े वर्ड तो लिता गया, लैटिन वर्ड कम्युनिस तो लिता गया है जिसका मतलब हुंदा है विचारां दा आदान ते प्रदान करना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ अपने व्यूज फैक्ट किसी भी तरह के अपने जड़े तड़े मन दे विच तत् ने विचार ने उन्होंने एक दूजे नाल एक्सचेंज करना जड़ा है गया कम्युनिकेशन हुंदा है गया। ते कम्युनिकेशन डिवाइसेस तीन ने तड़ियां अडैप्टर, मॉडम, NIC।
सब तो पहला ए जाता है तेरे को अडैप्टर। अडैप्टर की है, अडैप्टर का प्रयोग अपा कंप्यूटर के बीच बिट्स जां किसी भी इनफॉरमेशन के फ्लो संभालन के लिए करते हैं। यह जिहड़े ने सीरियल अडैप्टर भी हो सकते हैं जां पैरलर जिन्हां नूं समानांतर अपा अडैप्टर कह सकते हैं। यह एक तरह का सर्किट बोर्ड हुंदा है जिहड़ा कि कंप्यूटर लाइन जड़ियां टेलीफोन लाइन्स है उन्होंने विचकार होने वाले डाटे नूं एक दूजे दी जिहड़ा है एक्सचेंज करन दे योग बनांदा है, यानी कि अडैप्ट करदा है कंप्यूटर ते टेलीफोन लाइन्स दे विचकार जिहड़ा डाटा हुंदा है उसनूं एक थां तों दूसरी थां ते ट्रांसफर करन दे लई अडैप्टर यूज हुंदा है। सेकेंडली साडा आ जांदा है इहदे च मॉडम। मॉडम की है, मॉडम तो भाव है मॉडुलेटर एंड डीमोडुलेटर। तुहानू फुल फॉर्म भी आ जाती है भी मॉडम तो की भाव है, मॉडम तो भाव है मॉडुलेटर एंड डीमोडुलेटर। इसका प्रयोग आप इसका जी वरतों है कंप्यूटर की कम्यूनीकेशन सिस्टम के लिए करते हैं। यही एक जड़ा है ऐसा मीडिएटर जड़ा है डिवाइस है जिड़ी कि एक कंप्यूटर की इनफॉरमेशन दूजे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर दी है। पर इसलिए जरूरी है कि टर्मिनल्स नू टेलीफोन लाइन्स दे नाल जोड़िया जावे। इस नाल की है कि कंप्यूटर दे जड़े डिजिटल सिग्नल्स हुंदे ने, यानी कि इसका काम की हुंदा है कि जड़े डिजिटल सिग्नल्स हुंदे ने उन्हां नू एनालॉग सिग्नल्स दे विच बदल देंदे हैगे हैं। आवाज जड़ी है संचार प्रणाली दे विच जड़ी है कम्युनिकेशन जड़ी वॉइस है जड़ी साड़ी वॉइस है वो कम्युनिकेशन सिस्टम दे विच मॉडर्न दा नू यूज करके डिजिटल पल्स नू एनालॉग सिस्टम दे विच मॉड्यूलेट कर देंदी हैगी है। जदों भी डेस्टिनेशन या प्राप्त करन वाले थां ते उत्ते जिथे कि यूजर्स ने जड़ी यूज करनी है ये ते दूजे पासे भी उत्थे मॉडर्न दा लग्या होना जरूरी हुंदा है ताकि कि वो जड़ा है दोबारा जड़ा है एनालॉग सिग्नल नू डिजिटल सिग्नल दे विच चेंज कर दे, यानी कि उसनू डीमोडुलेट किया जा सके। ते जड़ी अजकल जड़े ने मॉडर्न ने ओह ज्यादातर ईमेल भेजन फैक्स भेजन या फैक्स नू प्राप्त करन दे लई वरते जांदे ने। मॉडर्न दो तरह दे हुंदे ने इंटरनल मॉडर्न ते एक्सटरनल मॉडर्न। इंटरनल मॉडर्न मीन्स अंदरूनी मॉडर्न, एक्सटरनल मॉडर्न मीन बाहरी मॉडर्न। तीसरा तुहाडे कोल कम्युनिकेशन सिस्टम जिहड़ा आ जांदा हैगा है डिवाइस आ जांदी है तुहाडी NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह जिहड़ा है कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट हुंदा है जिहड़ा कि कंप्यूटर नू नेटवर्क उपर संचार यानी कि कम्युनिकेट करन दी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि यह कंप्यूटर यूजर नू एक दूजे नाल केबल दे द्वारा या वायरलेस द्वारा जिहड़ा है कम्युनिकेट सिस्टम बनाने दे विच साडी सहायता करदा। हुण आपां ने उपर कीता सीगा वी मॉडर्न जिहड़े ने दो तरह दे हुंदे ने। नैक्सट क्वेश्चन तुहाडा अलग आ जांदा है टाइप्स ऑफ मॉडर्न। थर्ड क्वेश्चन तुहाडा इहदे च आ जांदा है टाइप्स ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न दीआं वख-वख किस्मां किहड़ियां किहड़ियां ने। आपां कहिंदे आ कि बनावट दे अकॉर्डिंगली, मॉडल दे अकॉर्डिंगली, प्राइजेस दे अकॉर्डिंगली, डिजाइन दे अकॉर्डिंगली या फैसिलिटी दे अकॉर्डिंगली। बनावट यानी कि उहदा स्ट्रक्चर, मॉडल, कीमत, डिजाइन या सहूलत दे आधार ते मॉडर्न नूं अलग अलग किस्मां दे विच वंडिया जांदा है। इस दीआं दो किस्मां ने, फर्स्ट है तुहाडी इंटरनल मॉडर्न, सेकेंड है एक्सटरनल मॉडर्न। इंटरनल मॉडर्न अंदरूनी मॉडर्न जिहड़ा कि कंप्यूटर दे अंदर ही जिहड़ा है लग्या होया हुंदा है। ये मॉडर्न सस्ता हुंदा है। इस किस्म दे मॉडर्न दे विच यूजर नू जिहड़ा है यूजर कॉल स्टेटस दी जिहड़ी भी आपां नू जिवें लाइट रिफ्लैक्शन अपने मोबाइल फोन के उत्ते आती हैगी है कोई मैसेज आ उस तरह ही है भी इस यूजर नू जे कोई कॉल या मैसेज आता है तो ये जी लाइट है वो अपन शो नहीं होंगी हैगी। इस दिया फीचर्स ने इंटरनल मॉडर्न के की ने कि इसनों पहली गल तो कंप्यूटर के
अंदर स्थापित किया जाता है, इंटरनल एडी जड़ी है एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। दूसरा इस नूं रखन दे लई सानूं कोई भी अलग जगह की लोड़ नहीं पैंदी है। तीसरा इसने कंप्यूटर चलना है उसके नाल ही चलना है, इसलिए इसनूं अलग बिजली की लोड़ नहीं पैंदी है। और इसनूं फालतू के जो डेस्कटॉप उपर जो एक्सटर्नल जो इफेक्ट है या केबल्स है उन्हां दी जिहड़ी हैगी है लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि इहदा सारा इंटरनली सैटअप हुंदा है। सेकेंडली तुहाडा आ जांदा है एक्सटर्नल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडम मीनस बाहरी मॉडम। बाहरी मॉडम की है कि यह कंप्यूटर के बाहर स्थित हुंदा है, इसनूं मेज के उपर किसी भी आप दीवार के उत्ते किसी भी लगा सकते हैं। इसका लाभ अपन फायदा की है कि जो यूजर है उसनों जो है कोई कॉल है मैसेज है उस जो भी वह आता है अपन तो यदि जी रिफ्लैक्शन है एज ए लाइट अपन शो होंगी हैगी है। इस दशेषतावान इसके फीचरस की है कि पहली गल तो यह कंप्यूटर तो बाहर यानी कि बाहरले पासे स्थित होंगे इसनों अलग थान की लोड़ होंगी हैगी है। ये अंदर जो इसलिए जो है इसलिए अपन अलग बिजली की लोड़ पैंदी हैगी है, इसनों रखने के लिए अलग थान की लोड़ पैंदी हैगी है। इसनों जो है अपना एक थान तो दूजे थान पर ले जाया जा सकता है। जे अपने इसनों एक जगह तो दूजी जगह तक लेके जाना है तो इसनों एक थान तो दूजी थान पर ले जाया जा सकता है। तो चौथा है कि इसके ऑन ऑफ कंप्यूटर के जड़ा है जो यदा ऑन तो ऑफ का बटन है कंप्यूटर तो अलग होंदा है। ये नहीं है भी जो कंप्यूटर अपन जे इनू ऑन करना है मॉडम इन मॉडम ऑन करने के लिए अपन अलग बटन जड़ा है इंस्टॉल किया हुआ है उसके नाल ही ऑन होएगा उसके नाल ही ऑफ होएगा। कंप्यूटर के नाल इसकी ऑन ऑफ की कोई कनैक्टिविटी नहीं होंगी हैगी। इसनों जड़ा है आप कह सकते हैं कि बाहरी मेज उपर रखना पैदा यानी कि इनू एक्सटर्नल स्पेस की लोड़ होंगी है।